Good morning to you all. Today's morning hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Arjan Dev Ji in Raag Todi Ang 717 Shri Guru Granth Sahib Ji. Let's read it, understand so that we can implement in our day-to-day life. Satnam Shri Vaheguru Sahib Ji Todi Mahalla Panjwa Sar Sang Har Har Naam Chitara, which means in the Sat Sangat, the company of the Lord, I contemplate the name of the Lord Har Har. सहज आनंद होवे दिन राती अंकर पलो हमारा रहाओ, which means I am in peaceful poise and bliss day and night. The seed of my destiny has sprouted रहाओ. गुरपुरा पेटियो बड पागी जाको अंत न पारावारा, which means I have met the true guru by great good fortune. He has no end, no limitation. करगे काट लियो जन अपना बिख सागर संसारा, which means taking his humble servant by the hand, he pulls him out of the poisonous world ocean. Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. ठीक है, हमारे जो कर्म है, हमारे deeds है, वो किस पे depend करते हैं? The quality of actions we take, the company we keep, और अच्छे ठीक एक्शंस लेने के लिए हम गाइडेंस किस तरह के लेते हैं. और ठीक एक्शन राइट टाइम पे लेने के लिए हम अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज मोर ऑफ माइंड मैनेजमेंट. देखिए, एक्शंस की अगर हम बात करें तो व्हाट एवर वी सो सो शैल बी रीप. बर्ड अपने लाइफ टाइम में जब वो जिंदा होती है तो वो क्या खाती है? आंट्स. जब वो ख़त्म हो जाती है तो फिर आंट्स उसको खाती हैं. सो वट एवर यू सो सो शैल यू रीप. और हमेशा एक बात याद रखिए कि टाइम जो है वो आपसे ज़्यादा पावरफुल है. तो जब हम क्वालिटी ऑफ एक्शंस की बात करते हैं तो बहुत डिपेंड करता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे किस तरह का एक्शन ले रहे हो, उसकी क्वालिटी क्या है. There was this man, वो मंदिर के अंदर माथा टेकने जाना चाह रहा होता है और उसके जो जूते होते हैं वो नए होते हैं, ब्रांड न्यू. अब वो सोचता है कि ये जूते तो मेरे बाहर चोरी हो जाएंगे, बट अब उसको मंदिर के अंदर तो जाना ही होता है. तो वो पास में एक भिखारी बैठा होता है, वो उसको बोलता है कि तुम मेरे ज़रा जूतों का ध्यान रखना, नए हैं, मैं ज़रा माथा टेक के आता हूँ. सो भिखारी agrees to it, he goes inside. वहाँ अपना माथा टेकते हैं और भगवान के आगे प्रे करते हैं और फिर सोचते हैं कि ये भिखारी कितना अच्छा है, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ माय शूज़. तो वो भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान, इस भिखारी को मैं 100 रुपया दूंगा. देन ही सेज, नहीं भगवान, मैं 150 रुपया दूंगा बिकॉज उसने मेरी इतनी हेल्प करी है. तो वो बाहर आता है तो वो देखते हैं ना उसके जूते और ना भिखारी. सो He is really surprised about it. थोड़ी दूर वो जाता है तो वो देखते हैं एक जूतों की दुकान है जहाँ पे शूज़ हैं. तो वो देखते हैं कि उसके शूज़ भी वहीं पे ब्रांड न्यू शूज़ के साथ पड़े होते हैं. वो बोलता है कि ये शूज़ आपको कहाँ से लिया आपने? वो कहते हैं अभी एक भिखारी आया था, वो 100 रुपये में मुझे ये शूज़ बेच गया. तो अब देखिए, पहले भिखारी ने एक अच्छा काम करने के लिए ही agreed to it, और उसको किस तरह का रिवॉर्ड मिलने वाला था? 150 रुपये का. बट उसके बाद शायद भिखारी का मन बदल गया, या पहले से ही उसके मन के अंदर कुछ चोर होगा. तो what he did, he went and sold that pair of shoes. So lot depends on our quality. हम बैठे बैठे चुपचाप बैठे भी कुछ अच्छा काम करते रहें, लोगों के लिए अच्छा सोचते रहें, तो पता नहीं है कि हमें किस तरह का रिवॉर्ड कहाँ से मिल जाएगा. दिस इज द मैजिक इन लाइफ विच कीप्स हैपनिंग इन आवर डे टू डे लाइफ. एंड वेन वी टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, एज आई सेड, टाइम मैनेजमेंट इज मोर ऑफ माइंड मैनेजमेंट. देखिए, बड़ा सिंपल है. आप अपने सेकंड्स कैसे मैनेज कर रहे हो, उससे डिफाइन हो रहे हैं आपके मिनट्स. आप अपने मिनट्स कैसे स्पेंड कर रहे हो, उससे डिफाइन हो रहे हैं आपके
आवर्स, आप अपने आवर्स कैसे डिपेंड कर रहे हैं आपके डेज, और डेज से मंथ्स और मंथ्स से इयर्स। तो इस मोमेंट पे अगर आप राइट एक्शन ले रहे हो, आपको राइट एक्शन की नहीं समझ में आ रही तो आप गाइडेंस ले रहे हो उस राइट एक्शन को लेने की, तो आपका अगला पल उसी से ही डिफाइन हो रहा है, उसी से ही प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है दैट यू विल हैव व्हाट काइंड ऑफ फॉर्च्यून। सो इस मोमेंट पे क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, किस तरह के कंपनी में बैठे हो और क्या खा रहे हो और क्या कर रहे हो, आपका अगला पल उस पे डिपेंड करता है। सो लेट्स डू वन प्रैक्टिस टुडे। आज पूरा दिन इस बात को प्रेजेंट होके देखिए कि आप अपना जो प्रेजेंट मोमेंट है वो किस तरह स्पेंड कर रहे हो। आर यू टेकिंग द राइट एक्शन? आर यू टेकिंग द काइंड ऑफ गाइडेंस? इफ़ यू आर नॉट एबल टू ट्रेस द राइट एक्शन, तो आज आप पूरा दिन इस चीज़ के लिए प्रेजेंट होइए कि प्रेजेंट मोमेंट्स आपके किस तरह से स्पेंड हो रहे हैं। सो डू दिस, प्रैक्टिस इट, इंटरेस्ट लेके आज पूरा दिन पल पल को प्रेजेंट रहिए, देन सी व्हाट हैपेंस, हाउ यू फील, शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद मी। टेक केयर, बाय बाय। वाहे गुरु।